रहकर आत्मा में, क्योंकि आनंद आत्मा में है, आत्मा आनंद धन है, संसार के पदार्थों में आनंद नहीं है, वो हमारे मन की भ्रम है कि रसगुल्ला में आनंद आएगा कि जलेबी आएगा कि इसमें आएगा, लेकिन आनंद आता नहीं, बल्कि वही विषय फिर बीमारी का भी कारण हो जाता, भोग रोग का कारण हो जाता है। तो इसलिए उससे मन हटाकर आत्मा में मन को जोड़ो कि बस आनंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ, ये विषय आनंद रूप नहीं, इसलिए पेट भरने के लिए, भूख निवृत्ति करने के लिए ग्रहण करो, तन ढकने के लिए वस्त्रों का उपयोग करो, पेट भरने के लिए अपने अन्न को ग्रहण करो। लेकिन हम लोग तो लोगों को दिखाने के लिए वस्त्र धारण करते हैं, बालों की डाई करते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, ये बार बार क्रीम पाउडर लगा के मसलते हैं, कपड़े हैं? जब जब बाहर जाते हैं तो कपड़े बदल कर, कल ये साड़ी पहनी थी आज ये साड़ी पहनूंगा, ये साड़ी पहनूं ताकि लोगों को पता लगे कि इसके पास कितनी साड़ी, एक साड़ी को दो तीन दिन बाद नहीं महीने भर बाद पहनेंगे तो लोगों को, इसलिए लोग घर के अंदर जैसे वो लॉन्ड्री में जैसे वो कपड़े टंगे रहते हैं लाइन की लाइन, ऐसे घरों में चूड़ियां अलग अलग चूड़ियां अलग अलग साड़ी की मैचिंग के लिए अलग अलग लिपस्टिक, तुम दुकान वाले के पास इतनी लिपस्टिक नहीं मिलेगी जितना कि तुमको किरण की ड्रेसिंग टेबल पे मिल जाएगी, इतने चूड़ियां इतने प्रकार के नेल पॉलिश इतने प्रकार की साड़ियां सूट, ताकि लोग देखें ऐसा पता लगे कि बहुत बड़ा जी बदल बदल कर पहनते हैं। ये संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, ये तो सब दुख का ही कारण है, सुख तो अपने आत्मा में है, इसलिए उसका चिंतन करो, उसमें ध्यान करो कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ये जगत बंधन दुख रूप है, आनंद से रहित है, रटकर नहीं बल्कि अनुभव से। जैसे अपने नाम जाति के लिए कोई पूछे या ना पूछे वह तो निरंतर किस प्रकार का चिंतन अपने को दृढ़ करना है, मैं आत्मा हूँ ये खाली शब्दों से रटने से काम नहीं, जैसे कि ओम सहज दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हम, तो ये हमने रट लिया तो मेरे को कोरोना नहीं लग जाए, तो मेरे को ये नहीं हो जाए, तो मेरे को ज्वर आ रहा है, तो मेरे को ये खांसी आ रही है, अब तो लगता है कि मेरे को मैं मर जाऊंगा। और अब वो मंत्र गुरु जी ने बताया ना, कौन क्या बोले, वो मुझे याद हो गया, क्या याद हो गया, सहज दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हम, ओम सहज दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हम, ये कुछ नहीं करेगा, ये तो खाली वाणी से बड़बड़ कर दिया, ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मनोभाव उसके साथ जुड़ना चाहिए कि मैं चैतन्य आत्मा, मैं दृष्टा आत्मा हूँ, और कैसा पक्का होना चाहिए तुम्हारा ये चिंतन, जैसे पिता ने बचपन में तुम्हारा को नाम रटा दिया कि तेरा नाम अपूर्वा है, तो अब मैं अपूर्वा हूँ और मैं फिर बढ़ गए हूँ, तो ये बढ़ गए और अपूर्वा ये जो पूंछ जोड़ दी है तो ये कभी टूटती नहीं, ये पूंछ चाहे दिन हो कि रात हो, सुबह हो कि शाम हो, बचपन हो किशोर हो कि जवान, जब कोई पूछे क्या नाम, अपूर्वा बढ़ गए, अपूर्वा बढ़ गए, तो ये जैसे अंदर बैठ गया तो क्या तुम रोज बैठ के माला करती हो तो भूलती हो, तो भूलती भी नहीं, आश्चर्य की बात है, और माला भी नहीं, और इधर तो हजार बार मुख से बोलते हैं ओम सर दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हम, वो भी मैं फोन पे पूछता हूँ तो क्या हुआ, वो तो आपको देख के डर लगता है, तो बोलता क्यों नहीं, बोलने याद हो तो, क्योंकि वो शब्द भी रटा हुआ है, तो ये चीजें हमको संसार की बातें भूलती, नाम जाति को जैसे पक्का कर लिया, ऐसे कैसे ही पक्का हो जाए कि मैं सहज दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा, तो अब कोई अभय नहीं, भय नहीं किसी प्रकार का, अभाव नहीं किसी प्रकार का, ऐसा पक्का अंदर भाव और जगना चाहिए, तभी कल्याण होगा, और खाली
इन शब्दों को रटने से कल्याण नहीं होगा। जिस प्रकार अनेक जन्मों के अज्ञान जनित दृढ़ संस्कारों से जीव को मैं जन्म मृत्युवान देह हूँ ऐसा भ्रम ज्ञान रहता है, ये कब से चल रहा है? अनादिकाल से। ये भ्रम ज्ञान कौन सा ज्ञान? देह को मैं मानना, देह के जाति को अपनी जानना, देह के संबंधियों को अपना जानना, ये जीव के अंदर अविद्या है, इसको कहते हैं अविद्या। अविद्या के चार रूप हैं। क्या कहा है चार रूप अविद्या के? कि दुख में तो सुख बुद्धि हो जाना, और अनित्य में नित्य बुद्धि हो जाना, और अनात्मा में आत्म बुद्धि हो जाना, और अपवित्र में पवित्र। ये चार प्रकार की अविद्या सब में है, बस इसके अंदर सब रचे बचे रहते हैं। तो कब से ये है? अनादिकाल से। हमने हर जन्म में यही किया, हर जन्म में यही संसार की ही बातों को, उसको कभी भूलते नहीं है। पर गुरु ईश्वर शास्त्र जो उपदेश देते हैं वो आपने बताया था पर याद नहीं, और गाली दे दे क्यों बे साले गधा, 10 साल पहले मेरे को गाली दिया था क्यों बे साले गधा, अब इसके घर भी नहीं जाऊंगा, और घर भी मेरे आएगा तो घुसने नहीं दूंगा। देखो क्यों बे साले गधा का 10 साल पहले, और बेचारा ही महात्मा 2-2 घंटे रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ओम सहज दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा, ये याद नहीं, ये बाकी सब याद रहता है। तो देखो संसार के एक शब्द तुम्हारे को कैसे चुप जाता है, पर वेद वाक्य गुरु वाक्य ईश्वर वाक्य वो तुम्हें नहीं चुपते। अगर वो चुप जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर बाहर के कांटे नहीं लगेंगे, फिर बाहर के पत्थर कोई कितने मारे कि गोली चलाए वो तुमको नहीं लगेगी, क्योंकि तुमने तो अपने को इस देह से अलग जान लिया है। न तो तुम्हें शस्त्र काटेगा, न अग्नि जलाएगी, न पानी भिगोएगा, न पवन सुखाएगा, फिर इस कोरोना की क्या मजा ले तुमको छू सकेगा, तुम तो वो हो कौन? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेवा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। अरे तुम तो वो सत्ता हो कि तुम्हारे क्षेत्र में सूर्य भी नहीं जाता है, चंद्रमा भी नहीं जाता है, बिजली भी नहीं जाती है, फिर इस अग्नि की क्या और इस कोरोना की क्या मजाक जो उधर जाएगी? तुम्हारे होने से ये सूर्य चमकता है, तुम्हारे होने से चंद्रमा शीतलता देता है, तुम्हारे होने से पवन दिन रात चलता है, तुम्हारे होने से बादल से सूर्य से पानी उठता है और फिर बादल बनकर गिरता है, तुम्हारे होने से सब होता है। तुम अगर अपनी शक्ति खींच लोगे, तुम अगर अपनी चैतन्य आत्मा को कहा तुम अगर अपनी शक्ति खींच लोगे तो ये सूर्य भी ठंडा हो जाएगा, ये चंद्रमा भी शीतलता नहीं बरसाएगा गर्म हो जाएगा, फिर तो पृथ्वी से भी अन्न नहीं निकलेगा और ना जल मिलेगा। तमेव भान्त अनुभाति सर्वम, तुम्हारे होने से ये सब अपना अपना काम करते हैं, तुम्हारी शक्ति से ये प्रकाशित, ये तुम हो, ऐसा वेद उपनिषद चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहते हैं और आकर सुनाकर मर जाते हैं, पर तुम्हारे को इसका असर नहीं। और एक महात्मा को तुमने सुना है जितने बैठे हो, ऐसा कोई महात्मा महापुरुष नहीं पृथ्वी पर आया जिसको तुमने हमने न सुना हो, चाहे मीरा हो, कबीर हो, नानक हो, तुलसी हो, दयानंद हो, रैदास हो, शंकराचार्य हो, कि रामानुज वल्लभाचार्य हो, कि राम कृष्ण और चाहे कितने, कोई अवतार तुमने नहीं छोड़ा और कोई संत को भी तुमने नहीं छोड़ा, हर संत के सम्मुख हुए, उनके पास बैठे हो, प्रवचन भी सुना, लेकिन तुमने उनकी बात को माना नहीं। और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब फिर उनके मंदिर बनाते हैं, तब फिर उनकी आरती करते हैं, फिर उनके जन्मोत्सव मनाते हैं, फिर उसका आनंद लूटते हैं, खीर हलवा पूरी बना बना कर कि आज तो गुरु जी की जयंती है, आज गुरु जी की बरसी है, कि आज राम का जन्म है, आज कृष्ण का, ये खिलवाड़ में लगे रहते हैं। चलो।